सड़क के पास एक विमान और लोगों की भीड़। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। सागर जिले के ढाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चाइम्स एविएशन अकादमी का एक विमान रनवे छोड़कर फेंसिंग तोड़ते हुए सड़क पर उतर गया। विमान को एक महिला ट्रेनी पायलट उड़ाने की कोशिश कर रही थी। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और ट्रेनी महिला पायलट इशिका शर्मा भी सुरक्षित बताई जा रही हैं। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक जब विमान टेक ऑफ कर रहा था उसी समय ट्रेनी पायलट विमान से अपना कंट्रोल खो बैठी और विमान फेंसिंग तोड़कर बाहर सड़क पर आ गया। विमान सड़क किनारे झाड़ियों में जाकर रुक गया। जानकारी मिलते ही चाइम्स एविएशन अकादमी के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने विमान को कपड़े और नेट से ढक दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हादसे पर ट्वीट किया और एक जांच दल घटनास्थल पर भेजने का निर्देश दिया। हादसे में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, विमान भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, न ही ट्रेनी पायलट को किसी भी तरह की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सागर में एक बड़ा हादसा झाड़ियों के चलते टल गया। ट्रेनी पायलटों की उड़ान में पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। सिंगल इंजन वाले ये विमान सेस्ना 172 चाइम्स एविएशन अकादमी का है। पिछले साल एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अकादमी को रनवे के इस्तेमाल से रोक दिया गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। नियमों के उल्लंघन के लिए निजी अकादमी पर बैन लगाया गया था, बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया था। पिछले 18 महीनों में ये दूसरी बार है जब कोई ट्रेनर विमान हादसे का शिकार हुआ है। जनवरी 2020 में चाइम्स एविएशन का एक और ट्रेनर विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2009 में एक और ट्रेनर विमान नर्मदा नदी पर बागरी बांध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में निजी अकादमी के कामकाज पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। ध्यान नहीं दिया गया तो ये लापरवाहियां बड़े और गंभीर हादसों का रूप भी ले सकती हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।